गाजियाबाद धर्मांतरण केस के मुख्य आरोपी शहनवाज को आज ट्रांजिट रिमांड के लिए थाने कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहीं यूपी पुलिस शहनवाज को मुंबई से लाएगी गाजियाबाद। एमपी के देवास में हिंदू महिला से एसिड पीकर की खुदकुशी, परिवार का आरोप, जाकिर की छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या की, हिंदू संगठनों का हंगामा, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी युवक। वाराणसी में G20 मीटिंग का आज विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे उद्घाटन, पीएम मोदी भी बैठक को वर्चुअली रूप से संबोधित करेंगे, आज विकास मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन। एमपी के चुनावी रण में आज उतरेगी कांग्रेस की प्रियंका गांधी, जबलपुर में नर्मदा पूजन से होगा इलेक्शन कैंपेन का आगाज, एक आम सभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी की प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर, अपार्टमेंट में रहने वालों को योगी सरकार ने दिया नोटिस, बिल्डर नदीम ने 5 फ्लोर्स के नक्शे पर बनाए 6 फ्लोर्स। और भी भयानक रूप से ले सकता है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, मुंबई में तूफान को लेकर अलर्ट जारी है, मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी। और वहीं तेज हवाओं के साथ वडाला और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुई बारिश, मॉनसून की दस्तक में मुंबई का मौसम हुआ सुहाना। मुंबई के कई इलाकों में हल्की बारिश से मॉनसून का आगमन, लोगों को मिली गर्मी से राहत। मुंबई में दिख रहा है बिपरजॉय तूफान का असर, गेटवे ऑफ इंडिया पर हाई टाइड की तस्वीर आई सामने, तेज हवाओं के साथ समुद्र में उठ रही है ऊंची लहरें। मुंबई में बिपरजॉय के कारण अरब सागर में उठ रही है ऊंची लहरें, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। द्वारका से समुद्र में हाई टाइड, लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी। द्वारका के गोमती घाट में उठ रही है ऊंची लहरें, तूफान बिपरजॉय के कारण समुद्र में हलचल तेज। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात, द्वारका के एसडीएम ने जारी की निर्देश। गुजरात में 14 और 15 जून को भारी बारिश की संभावना, सीएम भूपेंद्र पटेल ने मौसम विभाग के साथ की बैठक, हालात पर भी जानकारी ली। बिपरजॉय को लेकर केंद्रीय गृह सचिव की बैठक, चक्रवात से निपटने के लिए गुजरात सरकार की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर अलर्ट पर भारतीय तटरक्षक बल, नाविकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। आज अदालत में होगी आरोपी शहनवाज की पेशी, ट्रांजिट रिमांड के लिए थाने कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। गाजियाबाद धर्मांतरण का आरोपी शहनवाज खान गिरफ्तार, कल थाने पुलिस ने अलीबाग से किया था अरेस्ट। मुबरा पुलिस समेत गाजियाबाद पुलिस कर रही है शहनवाज से पूछताछ, दोनों राज्यों की पुलिस स्टेटमेंट कर रही है रिकॉर्ड। शहनवाज ने पुलिस को पूछताछ में बताया पीड़ित बच्चे से ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन पर हुई थी मुलाकात, बातचीत के लिए एक्सचेंज किए थे नंबर्स। शहनवाज का खुलासा, गेम खेलते हुए पहली बार धर्मांतरण पर हुई बात, जाकिर नायक के भाषण पर हुई चर्चा। शहनवाज के पास से एक मोबाइल फोन, आईपैड और कंप्यूटर बरामद, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का जांच कर रही है पुलिस। शहनवाज को सिम देने वाला शख्स हिरासत में, 2 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। दमोह में गंगा जमुना स्कूल मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कोर्ट ने 3 को भेजा जेल। शहनवाज की गिरफ्तारी के विरोध में एनसीपी नेता जितेंद्र आवाहर ने किया साइलेंट मार्च, कहा ये महाराष्ट्र में दंगे करने की साजिश। महाराष्ट्र के मालेगांव में पुलिस मुस्लिम लेक्चरर ने हिंदू बच्चों को कुरान की जानकारी दी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मामला दर्ज करने की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे का लव जिहाद पर बयान, कहा प्यार प्यार होता है, प्यार कोई दीवार नहीं देखता। पुणे में मंदिर के सामने मुस्लिम और वारकरी के बीच हुई बहस, विपक्ष ने लाठीचार्ज का दिया दावा और वहीं उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। महाराष्ट्र के पुणे में धार्मिक जुलूस के दौरान भक्तों पर लाठीचार्ज, मंदिर में प्रवेश को लेकर हुआ हंगामा। लाठीचार्ज की सुप्रिया सुले ने निंदा की, कहा जांच कर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो। पुणे लाठीचार्ज पर नाना पटोले का बयान, कहा महाराष्ट्र की परंपरा को तोड़ने की कोशिश। अजीत पवार ने भी लाठीचार्ज की निंदा की, कहा सही प्लानिंग से घटना को टाला जा सकता था।
सरवर चिश्ती के लड़की वाले विवादित बयान पर वीएचपी का हमला। विनोद बंसल ने कहा अजमेर 92 की सच्चाई पर मुहर लगा रहे हैं उनका बयान। अजमेर 92 पर टाइम्स नाउ की खबर का असर। अजमेर के उप महापौर नीरज जैन ने एनडब्ल्यूसी को लिखा पत्र, सरवर चिश्ती के बयान पर कार्रवाई करने की मांग की है। सतना में 20 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग संघ संपन्न। दीपक विस्पुते ने कहा हिंदुत्व का चिंतन ही विश्व को देगा शांति। बीजेपी ने दिल्ली के राजीव चौक पर लगाई केजरीवाल के शीश महल की रेप्लिका, लोगों में फोटो खींचने की लगी होड़। सभी 70 विधानसभाओं में होगी प्रदर्शनी। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल का पंजाब सरकार पर हमला, कहा आज आदमी को सता रही है खास आदमी पार्टी, जनता को जवाब दे भगवंत मान। पीएम मोदी 27 जून को 10 लाख से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वर्चुअल होगा पीएम का संवाद। न्यू जर्सी के रेस्टोरेंट ने लॉन्च की मोदी जी थाली। पीएम मोदी के अमेरिका की राज के यात्रा से पहले श्रीपद कुलकर्णी की पहल। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले वॉशिंगटन डीसी में तैयारियां शुरू, भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्य पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए उत्साहित। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा करेंगे जेपी नड्डा, 15 जून को लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ करेंगे चर्चा। आज हिमाचल के दौरे पर जेपी नड्डा, जिला अधिकारी कार्यालयों का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कोटा में बस से टकराया स्पीकर और बिड़ला का काफिला, 3 पुलिस कर्मियों को आई मामूली चोट। आज से मध्य प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी, कई जनसभा को भी संबोधित करेंगी। एनसीपी की कार्यकारिणी अध्यक्ष सुप्रिया सूले का बयान, कहा पार्टी को मजबूत करना प्राथमिकता। महाराष्ट्र के कई जिलों में हिंसक घटनाओं पर राज्य गृह मंत्रालय की कल बैठक, गृह विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे फडणवीस। सीएम योगी ने G20 डेलीगेट्स का वाराणसी के होटल ताज में किया स्वागत, मेहमानों के साथ किया डिनर। वाराणसी के नमो घाट पर G20 डेलीगेशन ने सांस्कृतिक नृत्य का आनंद लिया, वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। G20 प्रतिनिधियों ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में लिया हिस्सा, जयशंकर भी आरती में शामिल हुए। सीएम योगी ने वाराणसी में विदेश मंत्री से मुलाकात की, दोनों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। 2 दिवसीय काशी दौरे पर आए सीएम योगी आज टिफिन बैठक में होंगे शामिल, मंडल पद अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का देवरिया दौरा आज, 6000 करोड़ से ज्यादा की NHAI की 5 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। नितिन गडकरी के साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी रहेंगे शामिल और वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी कार्यक्रम में होंगे मौजूद। SP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को हटाने के लिए किया ट्वीट, 80 हराओ बीजेपी हटाओ का दिया नया नारा। JDU अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं, विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं सीएम। सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर तीखा हमला, नीतीश जी हैसियत मुंशी वाली हो गई है।